हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश आपके अपने चैनल आरआर कैंपस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डायरेक्शन का चौथा वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग शैडो के बारे में कुछ सीखेंगे आज। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं कि जो शैडो बनता है वो ऑलवेज लाइट के अपोजिट बनता है। और हम लोग शैडो का जो केस रीजनिंग में पढ़ेंगे वो सन के बारे में पढ़ेंगे। तो सन भी तो एक प्रकार का सोर्स ऑफ लाइट है, सन से भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज हम लोगों ने सीखा कि लाइट के अपोजिट ऑलवेज शैडो बनता है, वो देखते भी हैं। सुबह का वक्त है, सुबह में सन किधर होगा, तो सन आपका सुबह के वक्त ईस्ट की तरफ होता है। ये जो दिशा होगा ये ईस्ट की बात है, क्योंकि हम लोग अभी मॉर्निंग सेशन का देख रहे हैं। कोई व्यक्ति को आप यहां पर खड़ा किए, मान लीजिए चेहरा इधर है, एक व्यक्ति का चेहरा आप खड़ा कर दिए इधर की तरफ, एक व्यक्ति का चेहरा आप इधर कर दिए और एक व्यक्ति का चेहरा आप इधर कर दिए। इस चारों कंडीशन में इस व्यक्ति का शैडो किधर दिखेगा, इधर। इस व्यक्ति का शैडो किधर होगा, इधर। इस व्यक्ति का किधर होगा, इधर। और इस व्यक्ति का भी किधर होगा, इधर। यानी हमेशा लाइट के अपोजिट में आपका जा रहा है शैडो। और अगर इवनिंग का कंडीशन रहा, शाम का वक्त, तो शाम के वक्त में लाइट यानी सन किधर होगा आपका, तो वो वेस्ट में चला गया होगा। डे टू डे लाइफ से भी आप लोग कंपैरिजन कीजिएगा। फिर आप क्या किए कि फिर से आप चार व्यक्ति को, एक का ऊपर की तरफ चेहरा, एक का नीचे की तरफ, एक का सन की तरफ और एक का सन के अपोजिट कर दिए। चार दिशा में अभी चेहरा कर दिया। अच्छा, जब ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ था, उस कंडीशन में शैडो किधर बना, लाइट के अपोजिट। जब साउथ की तरफ था, उस कंडीशन में शैडो किधर बना, तो लाइट के अपोजिट। जब वेस्ट की तरफ था चेहरा, उस कंडीशन में किधर शैडो बना, तो लाइट के अपोजिट। और जब ईस्ट की तरफ था, उस कंडीशन में किधर बना, तो उस कंडीशन में भी लाइट के अपोजिट बन रहा है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइट जिधर है उसके ऑलवेज अपोजिट में बनता है। और एक चीज सीखे, सन एक स्पेशल केस होता है जो कि ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है, पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। तो जब सन ईस्ट में रहा, उस वक्त सारा शैडो इस कंडीशन में, जितना भी शैडो था, चारों कंडीशन हम लोगों ने ले लिया, वो सब शैडो किधर बना, तो वेस्ट डायरेक्शन में। और जब वेस्ट में था, तो इस चारों कंडीशन में किधर बना, ईस्ट की तरफ। तो यहां से दो बातें हम लोगों को समझ में आई। पहली बात कि शैडो जो बनेगा वो ऑलवेज लाइट के अपोजिट बनेगा, और सन के केस में शैडो या तो वेस्ट की तरफ होगा या तो ईस्ट की तरफ, दो ही तरफ हो सकता है और तीसरा कोई भी दिशा नहीं हो सकता है। तो चलिए ये दोनों बातें जो हम लोगों ने सीखा वो मैं लिख भी देता हूं। शैडो जो वो बनेगा वो ऑलवेज अपोजिट बनेगा लाइट के। और सन के केस में दो ही तरफ शैडो बनेगा, या तो ईस्ट या तो वेस्ट। ये स्पेशल है सन के केस में। ऐसा नहीं कि किसी भी लाइट से कंपैरिजन कर दिए, घर में भी लाइट है उससे कंपैरिजन कर दिए, अरे सर तो बताए थे कि ईस्ट और वेस्ट, यहाँ तो साउथ भी आ रहा है नॉर्थ भी आ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे। इसीलिए स्पेशल केस हम बता दिए कि ये सन का कंडीशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ नोट करना हो तो आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे। हम लोग जो दो सेशन होता है, ये ईस्ट और वेस्ट, इस दोनों सेशन को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। ईस्ट में जब भी सन रहेगा उस सेशन को मॉर्निंग कहेंगे, सुबह का वक्त, और शाम वाले सेशन
वेस्ट में जाएगा, यानी इवनिंग सेशन वेस्ट में। और इस दोनों सेशन को हम लोग और डिटेल में समझते हैं। जब भी सुबह का वक्त होगा यानी मॉर्निंग सेशन, सन किधर रहेगा आपका, तो वो ईस्ट की तरफ रहेगा। अभी हम लोग मॉर्निंग सेशन लिए हैं, सन आपका ईस्ट में है भी। चार व्यक्ति को हम लोग खड़ा कर दिए, चारों दिशा की तरफ चेहरा किए हुए हैं। अच्छा, जब चेहरा इस व्यक्ति का इस दिशा यानी वेस्ट की तरफ है, चेहरा किधर है इसका, वेस्ट की तरफ, और इस व्यक्ति का शैडो किधर बनेगा, तो इधर ही लाइट के अपोजिट। तो ये शैडो किधर बना इस व्यक्ति के, इस व्यक्ति से कंपैरिजन कीजिएगा, तो व्यक्ति का चेहरा भी इधर और शैडो भी इधर, तो ये जो व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति अपना चेहरा किधर देख पाएगा, तो जस्ट अपने सामने फ्रंट में। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का चेहरा किधर है, तो ईस्ट की तरफ। और इस व्यक्ति का शैडो जो बनेगा वो किधर बनेगा, तो लाइट के अपोजिट। लाइट के अपोजिट बना, इस व्यक्ति का चेहरा इधर है और शैडो बन रहा है पीछे, तो जब भी पीछे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट बना, उस व्यक्ति के चेहरे के अपोजिट है। या बोल दीजिए आप बैक है पीछे। अगर व्यक्ति का चेहरा इधर यानी साउथ की तरफ है, इस कंडीशन में शैडो किधर बनेगा, तो इस कंडीशन में लाइट के अपोजिट, लाइट इधर से आ रहा है, तो शैडो लाइट के अपोजिट इधर बनेगा। तो ये इस व्यक्ति से किधर बना, तो इस व्यक्ति से देख लीजिए ना, इस व्यक्ति को अपने शैडो की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा, तो लेफ्ट सॉरी राइट क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा यानी राइट घुमा, यानी शैडो किधर बना इस व्यक्ति से, तो राइट बना। अच्छा, इस व्यक्ति का चेहरा किधर की तरफ है, ऊपर, यानी ये जो चेहरा किए हुए है ये नॉर्थ की तरफ किए हुए है, और शैडो इसका किधर बनेगा, तो इस कंडीशन में भी तो लाइट के अपोजिट यानी इधर। और ये इस व्यक्ति के किधर है, तो इस व्यक्ति से ये किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है यानी लेफ्ट में बना। ये अभी हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन का सीखा कि मॉर्निंग सेशन में क्या कैसे किधर बनेगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इवनिंग सेशन का हम लोग अब सीखते हैं। इवनिंग सेशन में सन आपका किधर होगा, तो सन पश्चिम की तरफ होगा। हमने भी डायग्राम बना दिया है, चार व्यक्ति को हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। चलिए अब देखते हैं, इस व्यक्ति का चेहरा इधर यानी ईस्ट की तरफ है, इस व्यक्ति का चेहरा किधर है, ईस्ट की तरफ, और इसका छाया किधर बनेगा, तो सन इधर, तो लाइट के अपोजिट बनेगा यानी इधर की तरफ बनेगा। चेहरा भी इधर और छाया भी इधर, जिधर चेहरा उधर छाया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्रंट, एकदम सामने में बन गया। अच्छा, इस व्यक्ति का चेहरा किधर है, तो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ ये व्यक्ति चेहरा किया हुआ है, और इसका छाया किधर बनेगा, इधर, यानी इस यहां से अगर देखें तो इस व्यक्ति के किधर बना छाया, तो लाइट के अपोजिट उधर बना, और इस व्यक्ति से किधर बना, तो राइट साइड में बन रहा है इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति का चेहरा किधर है, तो वेस्ट की तरफ है, और छाया किधर बनेगा, तो लाइट के अपोजिट यानी यहां पर अगर व्यक्ति खड़ा है तो इसके अपोजिट इधर बनेगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाया, व्यक्ति के पीछे यानी बैक साइड इसका बनेगा, या आप कह लीजिए अपोजिट। इस व्यक्ति का चेहरा किधर है, तो ये इस व्यक्ति का चेहरा आपका साउथ की तरफ है, और इसका शैडो किधर बनेगा, तो लाइट के अपोजिट बनेगा, लाइट के अपोजिट यानी इधर की तरफ, और इस व्यक्ति से किधर बना, तो इस व्यक्ति से बाएं बाया बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। तो ये हम लोगों ने सीखा इवनिंग सेशन का भी, ये छोटी छोटी बातें थी। इसमें एक चीज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखा,
इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन का देखिएगा, यहां पर अगर नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है तो व्यक्ति के लेफ्ट बन रहा है या राइट बन रहा है। जब भी चेहरा ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है तो फ्रंट या अपोजिट है। यानी जब भी लेफ्ट और राइट की बात करें, यहां भी देखिए ये चेहरा ईस्ट की तरफ, चेहरा वेस्ट की तरफ, तो फ्रंट और बैक या अपोजिट, नॉर्थ की तरफ है तब राइट, साउथ की तरफ है तब लेफ्ट। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखा कि जब भी चेहरा आपका नॉर्थ की तरफ होगा या साउथ की तरफ होगा तब जाके आपका शैडो लेफ्ट होगा या राइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी जब भी आपको कह दे कि छाया दाहिने बन रहा है तो समझ जाइएगा कि दो ही दिशा हो सकता है, या तो साउथ होगा या तो नॉर्थ होगा, वो आपको वहां पे निकालना होगा। यानी काम बहुत आसान हुआ, आधा काम हो गया, चार दिशा में दो दिशा एकदम एलिमिनेट हो जाएगा बस ये देख के कि लेफ्ट बन रहा है या राइट बन रहा है। अगर फ्रंट बोल दे और बैक बोल दे तो निश्चित तौर पे समझ जाएंगे कि या तो ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा, वो टाइम से पता चलेगा कि वो किधर है। सुबह के वक्त में है और पीछे है तब आप समझ जाएंगे कि ईस्ट की तरफ चेहरा है, तो वो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यानी दो इंपॉर्टेंट बात सीख लिए हम लोग, इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे इस बात से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बजे सड़क पर यात्रा करते समय एक व्यक्ति बाईं ओर अपनी छाया पाया, किधर पाया? लेफ्ट साइड, यानी डेफिनेटली या तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा या तो साउथ की तरफ जा रहा होगा, वो टाइम डिसाइड करेगा। टाइम भी आपको बता दिया है 3 बजे, तो वह किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा था? बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। 3 बजे यानी शाम का वक्त, अब यहां पर 3 बजे सुबह या शाम नहीं बताया तो ऐसा नहीं सोचने लगिएगा कि 3 बजे सुबह की बात कर रहा होगा। 3 बजे सुबह सन राइज होता है क्या? तो वो अब 2 बजे सुबह का बात कर दिया तो ऐसा नहीं कि 2 बजे, चलिए तो ठीक है आते हैं। 3 बजे सड़क पर यात्रा करते समय एक व्यक्ति बाईं ओर अपनी छाया पाया, यानी शाम की बात कर रहा होगा। शाम में सन किधर होता है? वेस्ट की तरफ होता है। यानी छाया जब भी बनेगा तो ईस्ट की तरफ बनेगा, ये तो पता है। यानी ये डायरेक्शन ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। बोला था क्या कि वह व्यक्ति अपनी बाईं ओर पाया था, अगर चेहरा इधर होगा तो ये तो दाहिना तरफ हो गया। यानी ये कंडीशन तो हो नहीं सकता है। यानी अब वो व्यक्ति जो होगा अपना चेहरा नीचे की तरफ क्या होगा तभी जाके वो लेफ्ट हो पाएगा। यानी उसका जो चेहरा था वो किधर था? तो वो साउथ की तरफ उसका चेहरा है और ये जो दिशा था ये नॉर्थ था, वो ईस्ट था। आपसे क्या पूछ रहा है? तो वह किस दिशा से किस दिशा के तरफ यात्रा कर रहा है? किस दिशा से, यानी नॉर्थ से किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। यानी आंसर जो होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो यात्रा कर रहा है। यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुबह 7 बजे मॉर्निंग का वक्त, सन आपका ईस्ट में होगा, छाया आपका वेस्ट में बन रहा होगा, इतना बात आपको पता चल गया। रवि और चिंकी एक दूसरे के सामने मैदान में खड़े हैं। सुबह 7 बजे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं ये दोनों। चिंकी अपनी छाया रवि के दाहिने ओर पाती है। फिर से क्या वर्ड एक यूज कर दिया कि दाहिने और राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो दोनों किधर की तरफ खड़े होंगे? या तो नॉर्थ या तो ईस्ट, कौन किधर ये नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में सन आपका ईस्ट की तरफ होगा, दो व्यक्ति हैं खड़े, इस दोनों का छाया इधर होगा, लाइट के अपोजिट। अब आगे बढ़ते हैं। चिंकी अपनी छाया रवि के दाहिने पाती है, रवि के दाहिने। अच्छा, अगर यहां पर अगर रवि खड़ा होगा
तो इसका तो लेफ्ट इधर हुआ, लेकिन पाई किधर? रवि के दाहिने, तो ये रवि हो नहीं सकता है। तब क्या पता चला कि ये आपका रवि होगा और ये आपकी चिंकी होगी। अब चिंकी का चेहरा इधर, रवि का चेहरा इधर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा है। सामने खड़ा मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे, यानी एक दूसरे की तरफ दोनों का चेहरा होगा। अच्छा, रवि के दाहिने चिंकी के बाएं है, ये चीज, ये कंडीशन तो समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला, अगर चिंकी 21 बार बाएं घूमती है, कितनी बार? 21 टाइम्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था 21 टाइम्स लेफ्ट घूमने का मतलब, चार से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। चार से भाग दीजिएगा 20 कैंसिल हो जाएगा, एक रिमाइंडर, यानी 21 टाइम्स लेफ्ट का मतलब होता है, 21 लेफ्ट का मतलब होता है 20 लेफ्ट प्लस एक लेफ्ट। ये 20 लेफ्ट तो कैंसिल हो जाता है, यानी फाइनली आपका बचता कितना है, केवल और केवल एक लेफ्ट। चिंकी 21 बार बाएं घूमती है तो वह किस दिशा में जा रही है? तो बस इसको एक बार लेफ्ट घुमा दीजिए, चिंकी इधर है, लेफ्ट घूमेगी यानी इधर का तरफ हो जाएगा। अभी ये ईस्ट था तो ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। नॉर्थ फेस में है, एक लेफ्ट घूमेगी तो किधर हो जाएगी, यानी वेस्ट की तरफ। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वेस्ट। आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 15 नंबर, उम्मीद कर रहे हैं कि बना होगा आप लोगों से। सात सड़कें पी क्यू आर एस टी यू और भी एक दूसरे के समानांतर हैं। क्यू पी के उत्तर में 3 किलोमीटर और आर के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूर है, कौन? तो क्यू के बारे में बोल रहा है। क्यू जो होगा वो पी के उत्तर में, पी से उत्तर होगा तो पी नीचे रहा होगा, तभी तो जाके क्यू पी से उत्तर हो पाया होगा। और कितना किलोमीटर? तो ये डिस्टेंस आपको बताया 3 किलोमीटर। और आर से दक्षिण में 2 किलोमीटर, आर से दक्षिण में कौन है? तो क्यू है। कितना किलोमीटर? ये डिस्टेंस आपको बता दिया 2 किलोमीटर। ये क्यू, ये पी, ये आपका आर। फिर से आपको एक दूसरा स्टेटमेंट बताया, एस टी के 1.5 किलोमीटर उत्तर में है। एस के बारे में फिर से बता रहा है कि एस जो होगा वो टी से 1.5 किलोमीटर उत्तर में होगा, यानी टी नीचे होगा और यहां से 1.5 किलोमीटर उत्तर कौन है? एस है। और यू से 2.5 किलोमीटर दक्षिण में कौन है? तो यू से 2.5 किलोमीटर दक्षिण में आपका एस है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये दूसरा इंफॉर्मेशन आपको बताया। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी इंफॉर्मेशन है। यू भी के 1.5 किलोमीटर दक्षिण में है। अब फिर से भी के बारे में बोल रहा है। भी के बारे में क्या बोल रहा है कि भी जो है यू के 1.5 किलोमीटर दक्षिण में है। यू के 1.5 किलोमीटर दक्षिण में है तो यू यहां पर होगा, तभी तो इससे दक्षिण में हो पाएगा। और आर से 2 किलोमीटर उत्तर में है। आर से 2 किलोमीटर उत्तर यानी ऊपर की तरफ, यहां तक कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है, इस तीनों जो इंफॉर्मेशन आपको बताया इसको मर्ज करके एक आपको अरेंजमेंट करना है, एक पैरेलल अरेंजमेंट आपको कर लेना है। तो चलिए करते हैं। यहां पर भी U, यहां पर भी U, तो चलिए इस दोनों से अरेंजमेंट करते हैं। और देखिए R यहां पर है, R यहां ऊपर है, यानी R से नीचे। तो इस तीनों से ये चीज तो पता चल गया कि सबसे ऊपर कौन होगा? U होगा। हम लोग भी U को सबसे ऊपर रख देते हैं। U आपका यहां पर हो गया। U से 1.5 किलोमीटर नीचे भी है और U से 2.5 किलोमीटर नीचे S है। तो नीचे आएंगे तो पहले भी मिलेगा या एस? तो जो यू से नजदीक होगा, नजदीक तो 1.5 किलोमीटर वाला, यानी यहां से अगर नीचे की तरफ आए तो हमको पहले कौन मिला? भी मिला।
और ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का है। और यू से 2.5 किलोमीटर नीचे एस है, तो यू से 2.5 किलोमीटर नीचे आना है, 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। और अगर 1 किलोमीटर आ जाए तो आपको एस मिल जाएगा, ये एस का पोजीशन और ये कितना 1 किलोमीटर, टोटल 2.5 किलोमीटर हो गया। अच्छा, एस से 1.5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो टी मिलेगा, और भी से 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो आर मिलेगा। भी से 2 किलोमीटर नीचे, 1 किलोमीटर तो एस है, 1 किलोमीटर ही ना और जाना है, 1 किलोमीटर और अगर नीचे चले गए तो आपको क्या मिल गया, आर, ये 1 किलोमीटर। और एस से 1.5 किलोमीटर नीचे टी है, एस से 1 किलोमीटर तो जा चुके हैं, और 0.5 किलोमीटर चले जाएं तो आपको कौन मिल जाएगा, तो आपको यहां पर टी मिलेगा। अच्छा, आर यहां खत्म, आर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां था। आर से 2 किलोमीटर नीचे कौन है, क्यू, आर से 0.5 किलोमीटर आ चुके हैं, और कितना जाना होगा, तो 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5, कुल 2 किलोमीटर, और ये पोजीशन आपका क्यू का है, और क्यू से नीचे तो बस अब एक बचा, ये पोजीशन आपका पी का रहा, और ये क्यू से 3 किलोमीटर नीचे था। ये एक अरेंजमेंट आपका तैयार हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी दो सड़कें अधिकतम दूरी पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ऊपर है यू और सबसे नीचे है पी, तो यही दोनों ना सड़क जो होगी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, तो आपका जो आंसर होगा यू और पी, उल्टा दिया हुआ है पी और यू, यानी ये आपका आंसर था। चलिए इसी का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। उसी क्वेश्चन का है, कौन से दो निकटवर्ती सड़क एक दूसरे के सबसे नजदीक है, यानी दोनों सड़क सबसे नजदीक होना चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे नजदीक कौन है, तो मिनिमम डिस्टेंस जिस दो सड़क के बीच में होगा, यहाँ 1.5 किलोमीटर का, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 0.5 किलोमीटर का। आर और टी में बस 0.5 किलोमीटर का फासला है, टी क्यू फिर से 1.5, क्यू पी 3, यानी सबसे कम कहाँ मिला, तो आर और टी का मिला, यानी आपका जो आंसर होगा आर और टी इसका। फिर क्या पूछा, कौन सी सड़क अनुक्रम में बीच में है, एकदम मिडिल में आपसे पूछा जा रहा है, तो मिडिल में कौन सी सड़क है, तो आप देखेंगे मिडिल में कौन मिला, तो ऊपर भी 3, नीचे भी 3, बीच में कौन आ रहा है, यानी आर आ रहा है, एकदम मिडिल में आपका कौन दिखा, आर दिखा, ऑप्शन में आर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आर दिख रहा है। यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सिर्फ अरेंज कर लिए तो आंसर तो खुद ब खुद आ गया। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, कल उम्मीद है आप लोगों का डायरेक्शन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बाय बाय।